गुड मॉर्निंग। आज भी साइन ऑफ जैसी फीलिंग आ रही है। दो दिन में दो बार साइन ऑफ क्या बोलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो एक साथ ऐसे देख के लगता है, अरे अभी 4 महीने बचे हैं, किसी को और रैंक में ज्वाइन कर रहे, जूनियर में लगता है 6 महीने बचे हैं, अरे कैसे जाएगा एंड ऑल दैट। कभी कभी मन में एक फीलिंग आती है कि अब तो यहाँ स्टक है। बट जहाज में काम वाम चालू होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अगर लोग अच्छे मिले जहाज पे तो कॉन्ट्रैक्ट निकल ही जाता है, बड़े आराम से भी निकल जाता है और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता। सो बहुत दिनों के बाद बहुत लंबी फ्लाइट नहीं है, ना ज्वाइनिंग के लिए ना साइन ऑफ के लिए। ज्वाइनिंग में तो इस बार भाई कमाल हो गया था, ऑस्ट्रेलिया गए इतना लंबा इंडिया से, फिर वहाँ से जापान गए, तो अभी तो बहुत ही सही है। लंदन टू मुंबई तो कुछ खास इशू है नहीं। लंदन टू अबू धाबी 6.5 घंटा, चेंज ओवर के लिए अराउंड 1.5-2 घंटा, वहाँ से अबू धाबी से मुंबई 3.5 घंटा और घर। हाँ सही है, लोगों का साइन ऑफ हो रहा होगा लेट, लेकिन मेरा साइन ऑफ तो लास्ट 3 शिफ्ट से, मतलब कोविड जब से आया है, टाइम पे ही हो रहा है भाई। हाँ, बज रहे सुबह के 4:20, मेरा पिकअप है 4:45 का, पहले ही रेडी हो गए टाइम से भाई। साइन ऑफ और शोर लीव, इसके लिए तो कभी लेट नहीं करना चाहिए, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा सो लेता हूँ। चलो भैया, ज्यादा टाइम नहीं लगा वैसे तो, भीड़ काफी, मगर 5 मिनट में निकल गया। जो ऑनलाइन में फॉर्म देख रहा था तो उसमें तो देखते मुझे लगा कि भाई बहुत टाइम लगेगा, मगर कुछ खास मांगा नहीं इन्होंने। आरटीपीसीआर टेस्ट कंपनी ने कराया था, एक ऑनलाइन इनका पोर्टल पे अपना इंडिया जाने के लिए एक फॉर्म भरना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी भरा हुआ था और उसने अलाउ कर दिया। चलो लंदन का गेट्स का काउंटर एक्सपेक्टेशन से बहुत ही छोटा है। मेरे पास था यहाँ पे 1.5 घंटा फिल करने के लिए, कुछ खास किया नहीं, थोड़ा बहुत घूमा हुआ और अभी गेट की तरफ जा रहे हैं। तो ना यहाँ पे कुछ देखने के लिए है, ना कुछ दिखाने के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि यार लंदन का एयरपोर्ट मतलब ऐसा, उससे तो मुंबई में इससे ज़्यादा ड्यूटी फ्री और ऑप्शन है, मतलब टाइम पास करने के लिए। एनीवे अबू धाबी फॉर श्योर इज गोइंग टू बी मच बेटर, 6.5 आवर्स फ्लाइट। फ्लाइट पूरी खचाखच फुल, एतिहाद की हमेशा यही हाल होता है। फाइनली लैंडेड एट अबू धाबी, बट प्रॉब्लम 1 आवर लेट। 1 आवर लेट लैंडिंग मीन्स अब सीधा भागना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, ना ड्यूटी फ्री में कुछ टाइम मिलेगा, ना कुछ देखने का दिखाने का, और तब यह फटाफट अगली फ्लाइट पकड़ना है। क्या सोचा था कि थोड़ा घूमेंगे ड्यूटी फ्री में कुछ कर देंगे, मगर अब तो यार फ्लाइट मिल जाए वही बड़ी बात है। बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, आई थिंक 30 मिनट कुछ बचे होंगे, एंड गेट भी काफ़ी दूर है, पहुंचने में 10 मिनट लगेगा।
चलो भाई लोग अभी तो आराम से इंडिया में ही बात होगी। ये रहा 58 to 61, अभी बहुत टाइम है भाई, 35 कुछ चल रहा है, बहुत भागना है। दोस्तों अगर आपने मेरा साइन ऑफ का ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना, सही ब्लॉग बनाए, रिलीज नहीं हुआ जब मैं ये बोल रहा हूँ, मगर जब तक आप ये देख रहे होंगे तब तक ये तो रिलीज़ हो ही गया होगा। और जस्ट इन टाइम बोर्डिंग चालू हो चुकी है, देखो पीछे भीड़ कितनी है, फ्लाइट ये भी फुल होने वाली है, बट जा रहे हैं मुंबई फेवरेट डेस्टिनेशन। फ्लाइट खचाखच बढ़ी हुई है और मेरा प्लान था जाते ही दोस्त से मिलने का, लेकिन अब आई थिंक वो प्लान मैं कैंसिल कर देता हूँ, सीधा घर जाते हैं, थोड़े दिन क्वारंटीन में रहते हैं और उसके बाद ही किसी को मिलते हैं। और अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है क्योंकि अब मुंबई की फ़्लाइट बोर्ड हो रही है, जब भी घर जाने वाली लास्ट फ्लाइट होती है तो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा, टाइम स्लो स्लो पास करने लगता है। नींद बहुत आ रही है लेकिन सो नहीं पा रहे एक्साइटमेंट में एकदम। 30 मिनट्स लैंडिंग मुंबई। अब बोलते भाई मुंबई में लैंड करने का मजा ही अलग है, लेकिन सीधा घर नहीं जा सकते, आरटीपीसीआर टेस्ट होगा, 4 से 6 घंटे लगेंगे रिजल्ट आने के लिए, उसके बाद ही छोड़ेंगे। लास्ट के कुछ घंटे बहुत ही स्लो जाते हैं। चलो भाई ले लो सैंपल, बहुत सारा पेपर वर्क है, एयर सुविधा फॉर्म, ये डिक्लेरेशन, आरटीपीसीआर टेस्ट, तो सारा पेपर वर्क ख़त्म करके यहाँ से निकलते सीधा। लास्ट साइन ऑफ में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ कि है तो बड़ा ब्यूटीफुल मुंबई का एयरपोर्ट, इतना बड़ा बनाया हुआ है, मगर इमिग्रेशन में देखो दबा के भीड़ दिख रही है आपको, पूरा लाइन मतलब इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए भी मेरे को 30 से 40 मिनट तो लगने ही वाला है। चलो भाई सस्ते में निपट गए, इमिग्रेशन 40 मिनट नहीं 20 मिनट ही लगा, मगर अभी देख रहे हो बैग क्लेम के लिए क्या मारा मारी है, क्योंकि लोग टाइम पे आते नहीं तब तक बेल्ट निकल जाता है और उसके बाद आप ढूंढो आपका फ्लाइट किधर है, क्योंकि वो बोर्ड पे तो लेटेस्ट फ्लाइट के नाम आते हैं, मेरी फ्लाइट का नाम आ ही नहीं रहा। अब मैं इतने बड़े हॉल में ढूंढे जा रहा हूँ कि भाई मेरा बैग किधर है, एक तो मेरा। लास्ट स्टेप बाहर आ चुके हैं, अब लास्ट स्टेप एक ही है कि भाई आरटीपीसीआर का जो सैंपल दिया उसका रिजल्ट ईमेल से आएगा, वहाँ पे दिखाना है, बाहर निकलना है, अगर नहीं आता है तो उनकी काउंटर पे जाके उसको बोलो, होपफुली निकलते हैं अभी जल्दी से जल्दी। आज संडे है और अभी बज रहे 4:30, मुझे लगता है यहाँ से निकलते निकलते मुझे आधा एक घंटा लगेगा, और 8 बजे संडे मॉर्निंग, बीवी ना बच्चा कोई नहीं जगता, सब रेस्ट करते हैं, नाश्ता वास्ता मिलेगा नहीं, तो इट्स अ गुड आइडिया कि नाश्ता करो और उम्मीद करो कि नाश्ता ख़त्म होने तक आरटीपीसीआर नेगेटिव का रिजल्ट ईमेल में आ जाए। अब तो नाश्ता भी ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ ही नहीं रहा, 1.5 घंटे हो चुके मुझे सैंपल देके, मैं ईमेल का वेट कर रहा था, तो आप अगर आओगे तो ईमेल का वेट मत करना, काउंटर पे चले जाना, जिसका भी आपने आरटीपीसीआर करवाया उसके काउंटर पे चले जाना, प्रिंट आउट ले लेना, काउंटर खाली था, मैं गया और मेरी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, चलो घर। सबसे बढ़िया लाइटिंग एयरपोर्ट में इस वॉशरूम में ही है मुंबई एयरपोर्ट में, इन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, तो अच्छा है, ड्रिंकिंग वाटर के फाउंटेन बनाए हुए, तो मैं तो अपना ये बॉटल रहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे फाउंटेन मिलता है मैं पानी भर लेता हूँ, बहुत रेयरली मिनरल वाटर की बॉटल खरीदता हूँ। लास्ट राइड आ गई है टैक्सी, अब सीधा मिलता हूँ घर पे। सरप्राइज तो नहीं है, उनको पता तो है अच्छे से कि मैं आने वाला हूँ, मगर सो रहे हैं संडे को, चलो कोई ज़रूरत नहीं है, लॉक तो मैं, मेरा डोर जो है ये डिजिटल है तो कोई खोलने की ज़रूरत है नहीं।
होम स्वीट होम। हेलो, दरवाजा नहीं खुल रहा क्या? खुला ना तीन बार में। लास्ट टाइम आया था, सरप्राइज दिया था, चार लोगों ने कमेंट कर दिया था कि सैनिटाइज नहीं किया, क्लीन नहीं किया और घर वाले से छिपक रहे। कैसा सैनिटाइजर है तेरा, निकलता क्यों नहीं है? बोल दिया हाथ। यस, चलो चलो बेस्ट चीज से मिल ले, जो कि बेबू बहुत दिन से वेट कर रहा है, तीन दिन चार दिन काउंटिंग चल रहा है उसका। तो इतना अंधेरा करके रखी हो तो कैसे कैसे सोता है मस्त? बेबू 5 ईयर ओल्ड डायपर पहन के सोता है। 5 ईयर ओल्ड सरप्राइज क्या कर रहा है? पापा आ गए। बेबू पापा हो गए पापा। नींद के सामने कुछ नहीं, सोने दे। बेबू लास्ट 10 मिनट्स तुम ऐसे ही कर रहे हो। क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? गिव मी अ हगी। बेबू इज फीलिंग शाय। लुक एट अमेजिंग। मैं सोच रहा हूँ तब क्या होता होगा जब लोगों के पास ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं होता था और पापा शिप से आते होंगे, तब क्या हाल होता होगा जब अभी ये हाल है। चलो गुड, अपने पास बेबू कैमरा मैन है। यू आर अ गुड ब्लॉगर ना, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ब्लॉगिंग राइट? बेबू देखो, यू मेड सम गुड ब्लॉग्स। कितना शाय फील कर रहा है, पूरा ही कवर कर लिया, वो दिख ही नहीं रही है। बेबू मम्मा को कैमरा मैन बना देते हैं, हम दोनों ब्लॉगिंग करते हैं। अरे what is this babu, you were waiting for papa? Oh my god, why this is happening? We are every day talking on the phone. Throw this pillow away, we don't need this pillow. Look here, it's morning Sunday. Do you have tuition class today? Do you have tuition? Sunday is holiday for you or you have tuition? Are at least check if he's your papa or not. Open your eyes and check. She knows. Hey, wait, you're here. Open your eyes, princess. Open your eyes, princess. Why are you feeling so shy? दोनों बेस्ट लोगों से मिलने के बाद रंजना और एनखेर, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा शर्मा रही है। बेबू गेट अप, यू हैव टू एंड द व्लॉग। आई एम होम नाउ, सो लेट्स सी दिस इन पर्सन फर्स्ट टाइम। अनबॉक्सिंग तो रंजना कर चुकी है, मगर इसकी इंस्टॉलिंग का वीडियो मैं बना दूंगा। ओ बेबू हैड अनबॉक्स दिस राइट? इट इज रियली अमेजिंग यार, दिस इज एन अमेजिंग अवार्ड। वाओ ऑसम, लेट्स कीप इट। Okay, tell us about the new coronavirus. What does it do? It makes people sick. And what is the name of the new virus? Omicron. Okay, great. So now we are towards the end of this vlog. Can you end the vlog? You have to say, you have to press the like button, you have to subscribe to the channel. Say that. What? Look here in the lens. Okay? Look here in the lens. Okay, दोस्तों तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, चैनल पे सब्सक्राइब करिए। और एज यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं 3-4 महीने बाद घर आया तो आई नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फैमिली। इसी के साथ स्टे फिट, जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ओके ओके।